तारनगरी में नाबार्ड, ONDC और FSC के सहयोग से 3 दिवसीय तरंग मेले का आयोजन तारनगरी शिल्पग्राम परिसर में किया जा रहा है। 40 से अधिक स्टॉल्स यहां पर किसानों के द्वारा तैयार किए गए हैं। प्रोडक्ट अब डायरेक्ट ग्राहकों तक पहुंच सकेंगे। मेले का उद्घाटन DGM नाबार्ड ने किया। इस मौके पर कृषि निदेशक पुरुषोत्तम भी मौजूद रहे। ताज नगरी के शिल्पग्राम में 19 से 21 जून तक 3 दिवसीय तरंग मेले का शुभारंभ हो चुका है। यह मेला नाबार्ड, ONDC और FSC के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। FPOs को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। जितने भी FPOs यहां काम कर रहे हैं, नाबार्ड, SFAC और विभिन्न संस्थाओं द्वारा जो बने हैं, उनको ये एक माध्यम से एक जगह लाके उनके प्रोडक्ट्स को आम पब्लिक तक पहुंचाने का एक बहुत कारगर मीडियम मुझे महसूस हो रहा है। और इसी तरीके से शुरुआत होती है, हमको 4 और जिलों के बारे में पता लगता है जहां की प्रोड्यूस से, मैन्युफैक्चरिंग से, प्रोसेसिंग से कुछ अच्छे नए प्रोडक्ट्स हमें मिले हैं। किसानों के समूह पूरे देश में बनाए जा रहे हैं नाबार्ड के द्वारा जो शुरू किए गए थे। अभी नाबार्ड, FSC और बहुत सी दूसरी संस्थाएं बना रही हैं, उनको एक मार्केटिंग के लिए मंच उपलब्ध करा रही हैं। FPO के माध्यम से किसानों के प्रोडक्ट डायरेक्ट ग्राहकों तक पहुंचाए जा रहे हैं। मेले के माध्यम से उपभोक्ता उत्पादों को बारीकी से जान पाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तरंग फेस्टिवल जो कराया गया है नाबार्ड के द्वारा, मैनेज के द्वारा ये, और इसमें करीब कई जिलों के, हमारे आसपास के आगरा, अलीगढ़, अन्य जिलों के भी करीब 40 से अधिक FPO पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया है मार्केट, जो कि कृषि की सबसे बड़ी समस्या विपणन की थी, और विपणन दिन को किसानों को जोड़ा जा रहा है। मेले का उद्घाटन करने आए नाबार्ड DGM ने बताया कि नाबार्ड लगातार इस तरह का आयोजन करता रहा है। ऐसे आयोजन के जरिए कृषि उत्पादों को व्यापक मंच के साथ ही किसान और कारीगरों को प्रोत्साहन मिलता है। आयोजन से जुड़े लोगों का कहना है कि नाबार्ड की यह पहल कृषि उत्पाद से जुड़े लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इससे जहाँ ग्राहकों को क्वालिटी प्रोडक्ट मिल जाते हैं, वहीं काफी सुविधा भी होती है। आपका जो है मेला लग रहा है, इसमें जो है लगभग जो है 40 FPO पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो विभिन्न एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। जैसा आपको पता है कि हमारे भारतवर्ष में लगभग जो 86% जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल मार्जिन फार्मर्स हैं, जो कि उनकी एवरेज लैंड जो साइज है वो लगभग जो है 1.08 हेक्टेयर्स है। तो इस समय यदि आप इंडिविजुअल फार्मर, जो किसान आपका खेती करेगा, वो जो है वायबल नहीं है। यदि हम इसको जो है एक इकट्ठा कर, इसे बोलते हैं हम ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन, FPO फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यदि हम इसमें फार्मर्स को जोड़ेंगे तो एक तो क्या है, इनको जो प्राइस है, जो बीच में बिचौलिया होते हैं, उनको जी है हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इस मौके पर मुख्य रूप से कृषि उपनिदेशक पुरुषोत्तम मिश्रा ने DGM नाबार्ड के साथ सभी FPO के स्टॉल्स का निरीक्षण किया। सी न्यूज के लिए अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। We'll be right back.